वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के रामगढ़ गांव में। दोस्तों, यहां हम इसलिए आए हैं, जो आप पीछे देख रहे हैं दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, यह है एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर। हाँ जी फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर। तो आप देख सकते हैं रामगढ़ के इस गांव में, छोटा सा गांव है, और यह गांव जैसलमेर जिले के, राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर तन्नोड देवी का मंदिर है। तन्नोड रोड पर यह गांव है, छोटा सा गांव है रामगढ़, और इस पर यह टीवी टावर बनाया गया है। आप देख सकते हैं 365 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। और चलते हैं दुर्गेश भाई, अपने दोस्तों को नज़दीक से दिखाते हैं। जी हाँ हरीश भाई, तो दोस्तों हम यहाँ पर आए हैं, आज हम भी आपके साथ इस टावर को देखने आए हैं पूरी फैमिली के साथ, और आपको भी दिखाना चाहते थे। हमने देखा तो हमको भी लगा कि नहीं भाई, ये वीडियो तो बनाने लायक है। बिल्कुल, और अपने दोस्तों को भी मालूम होना चाहिए हरीश भाई कि ऐसा भी टावर है जो हमारी भारतीय आन बान और शान है। बिल्कुल दुर्गेश भाई, काफ़ी ऊँचा है, जहाँ तक नज़र जा रही है दुर्गेश भाई वहाँ तक काफी और चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं। जी हाँ हरीश भाई, इसमें कम से कम 10 बसें खड़ी हो सकती है आराम से। दुर्गेश भाई, यहाँ से 10 बस अगर हम चाहें तो 10 बसें इसके अंदर समा सकती है हरीश भाई। ये अभी तक कार्य चल रहा है। बिल्कुल दुर्गेश भाई, थोड़े टाइम पहले कार्य रुका हुआ था और ये चल रहा है अभी। चल रहा है दुर्गेश भाई, अभी ये पूर्ण रूप से इसको पता नहीं किसी निजी कारणों के कारण बंद कर दिया गया है। तो ये काफी ऊंचाई पे है दुर्गेश भाई। जी हाँ हरीश भाई, इसीलिए तो हरीश भाई ये एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। 365 मीटर है दुर्गेश भाई इसकी ऊंचाई, करीबन 1000 फीट से ज्यादा हो गया दुर्गेश भाई। जी हाँ हरीश भाई, 1000 नहीं हरीश भाई, 1200 फीट के आसपास हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर है 1200 से। तो देख सकते हैं दुर्गेश भाई, और काफी हरीश भाई चौड़ाई भी काफी है दुर्गेश भाई। और आप देख रहे हैं इसमें जो थोड़े थोड़े गैप में जो दिए हुए हैं, सर्कल भी बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दुर्गेश भाई ज़्यादा देर तक देखने पर आंखें भी चक्कर आने लग रहा है हरीश भाई। हरीश भाई आपको बता दें कि इसके अंदर सीढ़ियाँ वगैरह भी लगी हुई है, जहाँ ऊपर जाने के लिए जो ये कार्य चल रहा है, तो वो ऊपर जाने के लिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई, अंदर पूरी सुविधा है, और सुरक्षा की दृष्टि से अंदर अभी बंद है क्योंकि काम अभी चालू है। जी हाँ हरीश भाई, तो हरीश भाई अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और दोस्तों आपको भी बता दें कि इस कभी भी इस साइड में आओ तो इस टावर को एक बार ज़रूर देखना। जी हाँ, वैसे तो हरीश भाई आप तनोट को, कोई भी अगर भाई तनोट आता है तो ये दूर से भी ये टावर दिख जाता है। बिल्कुल आराम से दूर से दिख जाएगा, और ये तो रोड के बिल्कुल समीप ही है दुर्गेश भाई, आप देख सकते हैं रोड, वो 100-150 फीट होगी हरीश भाई। हाँ बिल्कुल दुर्गेश भाई। तो दुर्गेश भाई हमारे एक यूजर्स हैं बहुत अच्छे, उनका नाम कपिल एलोरा जी है, तो काफ़ी अच्छे कमेंट आते हैं दोस्तों उनके, और उनको विशेष रूप से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दुर्गेश भाई। और मुझे जैसे कि आपने बताया कि हर वक्त हमारा पूरा वीडियो देखते हैं और अच्छे से कमेंट करते हैं, तो दुर्गेश भाई ऐसे ही अन्य दोस्तों से भी, अन्य यूजर्सों भी कहे भी हम कहते हैं दोस्तों कि हम कॉमेंट करें हमें अच्छे, और उन्होंने कपिल जी ने हमें बताया था जयपुर साइड में आए, तो ज़रूर कपिल जी हम अगली बार जयपुर की ओर ज़रूर आएंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और अच्छे वीडियो आपके साथ ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। इसी के साथ हमारे वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।